Hello students, today we are going to start our second chapter of computer, that is understanding databases and working with MS Access 2007. Now let's get started. Introduction: A database management system, that means DBMS, organizes all the data. Database management system organize करता है all the data, ठीक है, जितने भी data हैं, so that it can be retrieved, जिससे कि उसे दोबारा लिया जा सके ईजिली वेन एवर नीडेड, जब भी उस डेटा की हमें ज़रूरत है. डेटाबेस मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग. डेटाबेस मैनेजमेंट में होता क्या है, क्रिएट करते हैं डेटा को, मॉडिफाई करते हैं, कोई भी चेंजेस करना है, ठीक है, इन्हेंस करना है डेटा को, ठीक है, डिलीटिंग, उस कोई भी चीज़ डिलीट करनी है डेटा में, कोई भी चीज़ ऐसी है, एंड एडिंग डेटा, और एड भी करना है तो हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में परफॉर्म कर सकते हैं इन अ डेटाबेस. नाउ the software that performs these function is called a database management system. अब जिस software से ये सारे functions perform किए जाते हैं उसका नाम क्या है, database management system, DBMS. Microsoft Access and MySQL are examples of DBMS software. अब दो example है, जैसे कि Microsoft Access और MySQL, ये कुछ example है DBMS software के. Now components of database. The information in a database is represented in tabular format. जो भी information है data है वो database में represent किया जाता है tabular form में, table के form में, clear? So that any specific piece of information, जिससे कि कोई भी information आपको, ठीक है, accessing करनी है, can be accessed if a reference point is known. अगर आपको उसका reference point पता है. The main components of a database are fields, रिकॉर्ड्स एंड टेबल. मेन जो कॉम्पोनेंट हैं, पार्ट हैं डेटाबेस के, वो क्या हैं, फील्ड्स, रिकॉर्ड्स और टेबल. नाउ फील्ड इज द बेसिक यूनिट ऑफ डेटा इन अ डेटाबेस. एक सेल को फील्ड बोला जाता है, ठीक है, तो वही बेसिक यूनिट है, तो फील्ड इज द बेसिक यूनिट ऑफ अ डेटाबेस, एज यू कैन सी इन द पिक्चर इटसेल्फ. नाउ अ फील्ड स्टोर्स अ सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ अ पर्टिकुलर डेटा टाइप. एक फील्ड में एक पर्टिकुलर सिंगल पीस रहता है इंफॉर्मेशन का. नाउ फील्ड्स आर कंबाइंड टू फॉर्म रिकॉर्ड्स. अब नेक्स्ट आते हैं रिकॉर्ड पे. रिकॉर्ड क्या होता है, रिकॉर्ड मींस जब कई सारे फील्ड एक साथ कंबाइन हो जाते हैं तो क्या बनाते हैं, रिकॉर्ड बनाते हैं. नाउ अ सेट ऑफ रिकॉर्ड्स विद द सेम फील्ड्स आर कलेक्टेड टुगेदर इन अ टेबल. और अगर रिकॉर्ड्स कंबाइन हो रहे हैं, कई सारे रिकॉर्ड्स एक साथ कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, क्लियर. सभी को कंबाइन किया जाता है एक टेबल में. अ टेबल कैन बी डिफाइंड एज अ टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन. टेबल क्या है, 2D रिप्रेजेंटेशन है डेटा का, यूजिंग रोज एंड कॉलम्स, जिनमें रोज होते हैं और कॉलम होते हैं. सेट ऑफ रोज एंड कॉलम्स मिलकर क्या बनाते हैं, टेबल बनाते हैं. Now, in this chapter, you will learn how to work with database management system. इस chapter में हम पढ़ेंगे कि कैसे काम किया जाता है database management system के साथ, using MS Access. MS Access का use करके. What is MS Access? Now, MS Access is a relational database management system. MS Access क्या है? Relational database management system है. A relational database means, अब relational database का मतलब क्या होता है? A database that allows you to group its data. एक ऐसा database जो आपको allow करता है अपने data को group करने के लिए into one or more distinct table. एक या एक से ज़्यादा tables में that can be related, जो एक दूसरे से related हो सकते हैं to one another by using field. Field का use करके, या फिर और fields common to each table, या ऐसी field जो common है हर एक table में. In a relational database, two tables are linked together by a common field or column. Relational database में दो table एक दूसरे से linked होती हैं एक common field के द्वारा या column के द्वारा, ठीक है. When a user makes a query, जब भी कभी user कोई query करता है, the RDBMS means Relational Database Management System combines the linked details. ये क्या करते हैं, combine करते हैं linked details को temporarily, कुछ समय के लिए, एंड प्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ क्वेरी, और उसको क्वेरी के फॉर्म में प्रेजेंट करता है.
Database keys are used to establish and identify relations between table. अब database key का use होता है किसलिए? Identify करने के लिए relation between tables. Some of the keys are explained here. अब कुछ keys जो है explain की गई हैं. देखिए first is primary key. A primary key is one or more column whose values uniquely identify every row in a table. Primary key ये एक या एक से ज़्यादा कॉलम है जिसकी वैल्यू यूनिक है, ठीक है, आइडेंटिटी है, यूनिक आइडेंटिटी एवरी रो इन अ टेबल, ठीक है, हर एक रो की टेबल में. द वैल्यू इन द प्राइमरी फील्ड इज़ डिफरेंट, और जो वैल्यू होती है प्राइमरी फील्ड में वो डिफरेंट होती है, अलग होती है फॉर एवरी रिकॉर्ड, हर एक रिकॉर्ड के लिए. एंड दस हेल्प्स टू आइडेंटिफाई रिकॉर्ड, और इसीलिए ये हेल्प करती हैं किसी भी रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए यूनिक वे में. For example, in a table containing information about students of class 8A, मान लीजिए कोई टेबल बनी है जिसमें इंफॉर्मेशन है क्लास 8A के स्टूडेंट्स के बारे में. द कॉलम रोल नो बिहेव एज अ प्राइमरी की, मतलब जो कॉलम रोल नंबर होता है वो एक प्राइमरी की तरह काम करता है, बिकॉज एवरी स्टूडेंट हैज़ अ यूनिक रोल नंबर, क्योंकि आपको पता है कि हर एक बच्चे का अलग अलग रोल नंबर होता है. कैंडिडेट की, इन अ टेबल देयर मे बी मोर देन वन फील्ड, एक टेबल में एक से ज़्यादा फील्ड हो सकती हैं. दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ रिकॉर्ड, जो रिकॉर्ड को यूनिक आइडेंटिफिकेशन दे. ऑल सच फील्ड्स आर कॉल्ड कैंडिडेट की, इस तरह की जितनी भी कीज़ हैं उनको कैंडिडेट की कहा जाता है. अ कैंडिडेट की इज एन एट्रीब्यूट, कैंडिडेट की क्या है, एट्रीब्यूट है, फीचर है, और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ रो, जो यूनिकली आइडेंटिफाई करती हैं पर्टिकुलर रो को. अब प्राइमरी की इज़ वन ऑफ द कैंडिडेट कीज, प्राइमरी की एक कैंडिडेट की ही है. अ टेबल में हैव मोर देन वन कैंडिडेट की, एक टेबल में एक से ज़्यादा कैंडिडेट की हो सकती हैं, बट डेफिनेटली हैज़ ओनली वन प्राइमरी की, लेकिन एक ही प्राइमरी की होगी. ऑल्टरनेट की, ओनली वन ऑफ द कैंडिडेट की इज सिलेक्टेड एज द प्राइमरी की ऑफ अ टेबल, सिर्फ एक ही कैंडिडेट की को सेलेक्ट किया जाता है एज अ प्राइमरी की. All other candidate key are called alternate key, और जितनी भी दूसरी candidate key हैं उनको alternate key कहा जाता है. Foreign key, if a primary key of one table is used in another, अगर एक primary key use किया जाता है दूसरे table में to establish a relation, एक इन दोनों के बीच में relation establish करने के लिए, then the primary key of one table is the foreign key, तो primary key एक table की वो होगी क्या, foreign key in another table. An example can be seen here. एक example आपको दिख रहा है picture में, roll number, name, course ID, address, फिर course ID, course title, teacher ID, course duration, course table. Now, ये दोनों table एक दूसरे से interlinked है. Now, course ID, course title, teacher ID, course duration, ये linked है teacher ID, course ID, department ID, address, teacher table से, और ये डिपार्टमेंट टेबल से भी लिंक्ड है. क्लियर, तो ये क्या हो गई, फॉरेन कीज हो गई. नाउ स्टार्टिंग एमएस एक्सेस, टू स्टार्ट एमएस एक्सेस क्लिक ऑन स्टार्ट, अगर आपको एमएस एक्सेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, ऑल प्रोग्राम, क्लियर, उसके बाद ऑल प्रोग्राम पे, देन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे, देन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस 2007. Now, the getting started with Microsoft Office Access screen appears on the screen. इसके बाद आपके सामने जो getting started with Microsoft Office Access screen पे appear करेगा. Now, components of MS Access. As you can see the figure, when you create or open an Access 2007 database, here what you see. तो आपको जैसे अभी representation दिख रहा है वैसा दिखेगा, ठीक है. The four most important components of MS Access are, जो चार सबसे important components हैं MS Access के वो क्या हैं, The ribbon is organized around common activities. ये common activities के लिए है. Each ribbon tab contains the command. हर एक ribbon tab में command होते हैं you need for that activity. जिस activity के लिए आपको ज़रूरत होती है, gathered into logical group, जिस जो logical groups में combined है. Now, the quick access toolbar. Now, it has some commonly used command. इसमें कुछ commonly used, जो ज़्यादातर use होते हैं commands, ठीक है, वो होते हैं. New commands can also be added here. और इसमें नए commands भी add कर सकते हैं जो commonly use करना है हमें. Just right click on any command. सिर्फ आपको right click करना है किसी command में, and then add, click
क्लिक ऑन ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार, उसके बाद ऐड कर दीजिए क्विक एक्सेस टूल बार में, ठीक है। उस पर क्लिक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा वो पर्टिकुलर कमांड क्विक एक्सेस टूल बार में। नाउ थर्ड इज द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन, इट शोज द फॉलोइंग डिटेल्स। इसमें कुछ डिटेल्स दिखाते हैं, जैसे कि फर्स्ट इज अ मेन्यू ऑफ बेसिक कमांड फॉर वर्किंग विद फाइल, एक ऐसी मेन्यू जिसमें बेसिक कमांड होते हैं जिसमें आप वर्क कर सकते हैं फाइल के साथ। अ लिस्ट ऑफ योर रिसेंट डॉक्यूमेंट, एक लिस्ट होती है जिस जो रिसेंट डॉक्यूमेंट शो करती है, ठीक है। नाउ अ बटन दैट यू क्लिक टू व्यू एंड सेलेक्ट वेरियस प्रोग्राम सेटिंग, अब एक ऐसा बटन होता है जिसको आप क्लिक करते हैं देखने के लिए या फिर सेलेक्ट करने के लिए अलग अलग प्रोग्राम की सेटिंग को। फोर्थ इज द नेविगेशन पेन, द नेविगेशन पेन शोज यू जस्ट व्हाट्स इन द डेटाबेस यू आर यूजिंग। अब ये नेविगेशन पेन आपको शो करेगा कि डेटाबेस में आप क्या यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि टेबल, फॉर्म, रिपोर्ट्स, क्वेरीज, क्लियर, दे आर ऑल विजिबल हियर। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेंगी, हैंडी व्हाइल यू वर्क, जब आप काम कर रहे हैं तो ये आपके लिए हैंडी होगा, ठीक है, ईजिली एक्सेसिबल होगा। एंड यू डू योर वर्क बाय यूजिंग द रिबन, और आप रिबन का यूज़ करके अपना काम करते रहें। क्रिएटिंग अ डेटाबेस, अब डेटाबेस बनाते कैसे हैं, वेन यू स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007, जब आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007 स्टार्ट किया, द गेटिंग स्टार्टेड विद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस विंडो अपीयर्स, तो आपके सामने स्क्रीन पे दिखेगा कि गेटिंग स्टार्टेड विद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस विंडो खुल जाएगी। नाउ इन दिस विंडो क्लिक ऑन लोकल टेम्पलेट्स, अब यहाँ से आप क्लिक करिए लोकल टेम्पलेट्स पे ऑप्शन पे, अंडर टेम्पलेट कैटेगरीज, ये कहाँ मिलेगा, टेम्पलेट कैटेगरीज के अंदर में, ठीक है, पेन ऑन द लेफ्ट साइड, जो कि लेफ्ट साइड में है। नाउ आइकन रिप्रेजेंटिंग लोकल टेम्पलेट्स अपीयर इन द सेंटर, उसके बाद वो आइकन दिखेंगे जिसमें टेम्पलेट्स आपको शो होंगे, ये सेंटर पे आपको अपीयर करेगा। नाउ सेकेंड इज क्लिक टू सेलेक्ट अ टेम्पलेट, आप क्लिक करिए टेम्पलेट सेलेक्ट करिए, यहाँ पे कॉन्टैक्ट सेलेक्ट किया गया है। नाउ टाइप अ नेम फॉर योर डेटाबेस, अब नाम लिखिए, ठीक है, अपने डेटाबेस का। लोकेट द फोल्डर इन विच यू वॉन्ट टू स्टोर योर डेटाबेस, अब उस फोल्डर को लोकेट कराइए जहाँ पे आपको चाहिए कि ये डेटाबेस स्टोर हो जाए, एंड क्लिक ऑन ओके, और वहाँ से ओके बटन पे क्लिक करना है। व्हेन यू आर डन, जब आपने ये सारी चीज़ें कर ली, क्लिक ऑन क्रिएट बटन, उसके बाद क्रिएट बटन पे क्लिक करना है। MS Excel creates a new database based on selected template, अब MS Excel क्रिएट कर देगा एक डेटाबेस जो किस पे सेलेक्टेड, जो टेम्पलेट आपने सेलेक्ट किया था उसके बेसिस पे। लुक एट द डेटाबेस विंडो शोन अलॉन्ग साइड दैट वी हैव क्रिएटेड, अब आपके सामने डेटाबेस दिख रहा है आपको पिक्चर में, दैट वी हैव क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टैक्ट डेटाबेस टेम्पलेट, जिसको हमने क्रिएट किया कॉन्टैक्ट लिस्ट के डेटाबेस टेम्पलेट से। नाउ ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस, अब जो पहले से क्रिएटेड डेटाबेस है उसे ओपन करना है। क्लिक ऑन ऑफिस बटन, सबसे पहले ऑफिस बटन पे क्लिक करिए, क्लिक ऑन ओपन ऑप्शन फ्रॉम द ऑफिस मेन्यू, यहाँ से ओपन ऑप्शन पे क्लिक करना है ऑफिस मेन्यू से, देन द ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, इसके बाद आपके सामने ओपन डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। लोकेट द फोल्डर इन विच योर डेटाबेस इज स्टोर्ड, अब उस प्लेस पे, ठीक है, लोकेट करिए जहाँ पे आपने डेटाबेस स्टोर किया था। फाइंड एंड क्लिक ऑन द डेटाबेस टू सेलेक्ट इट, अब ढूंढिए और क्लिक करिए उस डेटाबेस को, सेलेक्ट कर लीजिए, क्लिक ऑन ओपन बटन, उसके बाद क्लिक करिए ओपन बटन पे, MS Access opens the database, तो आपके सामने डेटाबेस ओपन हो जाएगा। नाउ क्लोजिंग अ डेटाबेस एंड एग्जिस्टिंग एक्सेस, अब क्लोज करना है तो क्लिक ऑन ऑफिस बटन, ऑफिस बटन पे क्लिक करना है, क्लिक ऑन क्लोज डेटाबेस ऑप्शन, उसके बाद क्लोज डेटाबेस ऑप्शन पे क्लिक करिए फ्रॉम द ऑफिस मेन्यू, कहाँ मिलेगा, ऑफिस मेन्यू में मिलेगा। नाउ एक्सेस क्लोज डाउन द डेटाबेस, तो यहाँ से डेटाबेस क्लोज हो जाएगी आपकी। नाउ क्लिक ऑन ऑफिस बटन, उसके बाद ऑफिस बटन पे क्लिक करना है, क्लिक ऑन एग्जिट एक्सेस बटन इन द ऑफिस मेन्यू, उसके बाद एग्जिट एक्सेस बटन पे क्लिक करना है ऑफिस मेन्यू से। MS Access प्रोग्राम क्लोजेज डाउन इटसेल्फ, इसमें MS Access प्रोग्राम खुद से क्लोज हो जाता है। नाउ रेस्ट ऑफ द पोर्शन वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। थैंक यू एवरीवन।